वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमर, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। ट्रेन नॉर्मल स्पीड से जा रही थी, यात्री भी सफर का आनंद ले रहे थे, मौज में थे। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि इसी ट्रेन में एक लड़की की अस्मत पर हाथ उठ रहा है। एक बांग्लादेशी हिंदू युवती को उठाकर ले जा रहा था, शायद मानव तस्करी के लिए, पर एक युवक की सूझबूझ के कारण उसका सारा खेल बिगड़ गया। जी हाँ, बिहार में कम उम्र की लड़कियों की तस्करी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ यात्री की सूझबूझ से तस्कर पकड़ा गया। ये घटना शनिवार की है, जब ट्रेन में एक लड़की को तस्करी करते हुए बांग्लादेश ले जाया जा रहा था। खुलासा हुआ कि इस तरह की घटनाएं लगातार चल रही हैं। इसके लिए पश्चिम बंगाल के रास्ते का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें, दिल्ली से लड़कियों को झांसे में लिया जाता था और फिर पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में उसकी तस्करी की जाती थी। पटना के एक युवक के सूझबूझ के कारण न सिर्फ उस तस्कर को पकड़ा गया बल्कि लड़की को भी बचा लिया गया। पटना का वो युवक भागलपुर का यात्रा कर रहा था, इस दौरान वो जनरल बोगी में सवार था। लोग बता रहे कि उसका नाम जमशेद अहमद भी हो सकता है। तभी उसकी नजर एक किशोरी पर पड़ी जो काफी उस डरी सहमी हुई सी थी। देखने में वो किसी बड़े घर की लग रही थी, लेकिन उसके शरीर पर ढंग के कपड़े भी नहीं थे। उसके साथ में एक युवक भी बैठा हुआ था जो उसी ट्रेन से सफर कर रहा था। ट्रेन में केवल जंक्शन पहुंचते ही पटना के युवक ने देखा कि उस व्यक्ति लड़की के साथ अश्लील हरकतें लगातार कर रहा था। लड़की किसी तरह खुद को बीच बचाव कर रही थी। युवक को शक हुआ और उसने ट्रेन में ही इन दोनों से पूछताछ शुरू कर दी। हालांकि उस व्यक्ति के झूठ बोलने लगा। वो कहने लगा कि ये लड़की उसकी रिश्तेदार है और वो दोनों मालदा जा रहे हैं, जबकि लड़की ने पूछे जाने पर उस व्यक्ति को अपना दोस्त बताया। लेकिन पटना के युवक को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। इसी बीच बात बढ़ी और गश्ती के लिए आए जवानों को पूरी बात बताई गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि लड़की को झांसा देकर दिल्ली से ले जाया जा रहा था। उस व्यक्ति पर दिल्ली में भी केस दर्ज है। मालदा के रास्ते कई लड़कियों को इससे पहले भी बांग्लादेश भेजने की बात सामने आई है। किशोरी के पहचान कर उसके पिता को पूरी घटना सूचना दी गई है। इसके बाद वो फ्लाइट से कोलकाता पहुंचे और बेटी के साथ चले गए। मतलब आप देख रहे हैं कि इन जिहादियों की हरकत किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रही है। ये बड़े बड़े लड़कियों को, मतलब बड़े बड़े घर के लड़कियों को फंसाते हैं, फिर उनको गंदा कपड़ा पहना देते हैं, फिर उनसे रास्ते भर अश्लील हरकत लिया के बांग्लादेश में या किसी दूसरे देश में जाकर बेच देते हैं। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़ राष्ट्र। वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम।